इस बार उसी को लिया। मुझे लगा ये म्यूजिक knows I ain't faking now. Everybody's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'm never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. Hey guys, क्या हाल चाल है? खूब सारे सेलेक्ट हो गए तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर। इसमें तबाही हम इस तरह दबा क्यों होने वाली है यार। और इस गेम प्ले की और बात की जाए तो भाई साहब इस गेम प्ले में मजा दबा के आने वाला है क्योंकि उसमें क्लचेस काफी शानदार हुए हैं यार। और साथ में इस गेम प्ले में तुम्हारे भाई ने AW का भी प्रयोग किया है यार, मतलब सबके सर भी फोड़े जाएंगे क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में, तो तबाही दुगनी होने वाली है यार। तो फैक्ट्री में फटाक से एंट्री करते हैं क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि एक स्क्वाड फैक्ट्री आने वाली है, तो जल्दी से लैंडिंग करते हैं और फिर बजाना चालू करते हैं बंदों को यार। तो यार गजब का भाईचारा देखने को मिला यहाँ पास, मेरे और गॉड के बीच नहीं इस स्क्वाड के बीच। मतलब यहाँ पास मैंने इनके एक बंदे को बजाया तो पूरी की पूरी स्क्वाड एक साथ फैक्ट्री से कूद गई कि यार छू कैसे लिया मेरे टीममेट को। भाई साहब ऐसे कूद रहे हैं फैक्ट्री जैसे अंगूर के पेड़ से अंगूर गिर रहे हूँ। लेकिन भाई समस्या हो गई कि भाई अंगूर पके हुए थे तो जैसे ही जमीन पर गिरे वहीं फट गए, और वैसा ही इनके साथ हो गया यार। जैसे ही उतरे वैसे ही बजा दिए गए क्योंकि भाई अपने टीममेट से प्यार मोहब्बत दूर दिखाने का, यहाँ पास दिखाओगे तो बजा दिए जाओगे। उसके बाद इतना बढ़िया शानदार क्लच दिखा दिया यार, तो जरूरी काम कर लो ना यार, जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो, जाने में नए हो सब्सक्राइब पर माथा टेको घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में जाओ क्योंकि हमारी फैमिली ने बहुत ज्यादा हार्ड है यार। एनिमीज अहेड तो ये महाशय यहाँ पास अकेले अकेले पता नहीं क्या ही कर रहे थे ऐसा मुझे लग रहा था क्योंकि भाई हमको तो अकेला बंदा ही दिखा। तो उसके बाद हमने इनको बजाया और यहाँ से निकल लिए। मैंने देख लिया, हाँ हाँ तुमने भी शायद देख लिया होगा, और नोटिस नहीं किया तो एक सेकंड रुको अभी नोटिस करा देता हूँ। एनिमीज अहेड
तो भाई साहब अपने टीममेट को बचाने का बिल्कुल मन नहीं बना रहे थे। एक वो स्क्वाड थी जिसके बीच इतना अच्छा भाईचारा कि भाई एक साथ अंगूर की तरह गिर रहे हैं, और इधर ये मतलब उसकी आंखों के सामने उसके टीममेट को बजा दिया गया। ये बंदा बोलता है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, नहीं हमने कुछ देखा ही नहीं भैया, हमारी तो आंखें ही नहीं थी। इसे कहते हैं जमाना बहुत खराब है यार। उसके बाद इनके दो बंदे मैंने सोचा कि यही कैंपिंग कर रहे होंगे, लेकिन वो यार दिखे ही नहीं। तो हमने सोचा कि चलो नहीं दिखे हैं तो फिर हम गाड़ी लेके निकल लेते हैं, क्योंकि गेम प्ले बनाना है और यहाँ बैठे रहेंगे तो लेट हो जाएंगे और किल नहीं मिलेंगे यार। उसके बाद हम गाड़ी लेके निकल लिए। लेकिन जैसे ही हम विलेज से आगे निकले भैया, ये लोग तो बीच रोड में दौड़ रहे हैं यार। अच्छा हुआ सल्लू भाई अभी मूड में नहीं थे, नहीं तो यहीं पास रोड को फुटपाथ बनाते और ये दोनों बंदों को यहीं बजाते। लेकिन सौभाग्यशाली बंदे थे यार। Enemies ahead. लेकिन कोई नहीं यार, सल्लू भाई ने नहीं बजाया तो हमने ही बजा दिया। कोई बात नहीं है, किल तो लॉयन को ही मिल रहे हैं। उसके बाद गाड़ी उठा के आगे निकलते हैं तो भाई साहब पहाड़ों की ऊंचाइयों में फ्लेयर चल रखी है, तो जल्दी से गाड़ी ऊपर लेके जाते हैं और फिर जरा देखते हैं कौन चला रखा है ये फ्लेयर। Let's go. तो यार ये थे टीम के बुलौड़े जिनको लालच कुछ ज्यादा ही थी। मतलब अकेले अकेले फ्लेयर चला लिए ऊपर आके और बाकी स्क्वाड नीचे ही घूम रही है। और कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है, आज इन्होंने देख लिया होगा यार। मुझे लगा था कि इनके टीम का सिर्फ एक बंदा लालची है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी स्क्वाड लालची हो रखी है। मतलब उस बंदे को पता है कि वहाँ से नहीं चढ़ सकता है, लेकिन तो भी वहाँ से चढ़ेगा और फ्लेयर लूटेगा। मतलब उसको भी चाहिए फ्लेयर का माल पानी भाई। उसको अपने टीममेट से फर्क नहीं पड़ता कि उसके टीममेट को वहाँ बजा दिया गया है ना, उसको चाहिए फ्लेयर का माल। वो जाएगा ऊपर और फ्लेयर लूटेगा। और भैया लालच बुरी वाला होती, हम पहले ही बता दिए थे। यार बेहतरीन हेडशॉट के साथ बजा दिया गया है कैंपर को। तो भैया ये होते हैं महंगे वाले कैंपर। मतलब एक ही कमरे में दो बंदे एम करके बैठे कि सीढ़ी से तू ऊपर आ बस जा। तू ऊपर आया और हमने तुरंत बजाया। लेकिन फुर्ती नाम की भी कोई चीज होती है यार। वैसे मैं कैंपर्स को एक सलाह देना चाहूंगा, वैसे कैंपर्स को सलाह देने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में कैंपिंग फुल अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन तो ही बताना चाहूंगा कि भैया कैंपिंग कर रहा है तो सीढ़ी के ऊपर किया करो, ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि भाई वहां पास एंगल नहीं मिलता है बंदों को भागने के लिए। लेकिन अगर अंदर करोगे तो थोड़ा सा घाटा हो जाता है यार। तो कभी कभी कैंपिंग करना पड़ता है, हमको काफी एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। ज्यादा कैंपिंग नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए ना। बाकी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने आप को कैंपर कह रहा हूँ, मेरे साथ चुप हो जाना चाहिए, काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। Let's go. लगता भाई साहब कमांड फास्ट एंड फ्यूरियस खेलने का है, तो चलो हम भी कमजोर नहीं है यार। फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी सीरीज देख रखे हैं, फुल एक्सपीरियंस है अपने को भी।
यार उसके बाद लास्ट के दो बंदे बच रखे थे, तो मैंने फटाक से अकेले के लिए गाड़ी उठाई और गॉड को बोला कि देखो बेटा तुम यहीं बैठो, हम जरा बंदे बजा के आते हैं। यार इस डुओ का लास्ट बंदा पता नहीं क्या ही फूंक रखा था, शायद गांजे की थोड़ी ज्यादा मात्रा ले ली थी या फिर सस्ता वाला ले लिया था, सपोर्ट नहीं कर पाए और वहीं हैंग हो गए। और जोन अभी इनको मुक्ति देने ही वाला था लेकिन उसी समय हमको दर्शन हो गए और फिर हमने हेडशॉट दे के जोन का किल अपने खाते में ले लिया। यार लेट्स गो। ज्यादा ही नादान बंदा था लास्ट वाला, इतना नादान भी नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने कहा कि देखो भाई गॉड के वैसे बहुत कम किल हो रखे हैं, बेचारा किल ही नहीं ले पा रहा था मेरे चक्कर में, तो मैंने कहा लो भाई तुम भी एक किल रख लो, वैसे बेचारे का माइक लिया था तो मैं समझ सकता हूँ उसके दुख को, तो इसलिए उसको लास्ट किल दे दिया है, तो मिल गया चिकन डिनर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया हो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में जाओ क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी जाओ उसमें फॉलो करो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।